नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इनकी वाजपेयी और आप देख रहे हैं न्यूज 21। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार के विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं, जहां मंगलवार को कैमूर पहुंचे प्रशांत किशोर ने भभुआ सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव पर जमकर प्रहार किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि लोग सही बता रहे हैं कि ये जो नीतीश का राज है ये अधिकारियों का जंगल राज है। लालू यादव के राज में तो अपराधी गन दिखाकर लोगों को लूटते थे, लेकिन नीतीश सरकार के राज में अधिकारी कलम लगाकर जनता को लूट रहे हैं। नीतीश के अधिकारी कहते हैं कि आप पत्रकार हैं या फिर जनप्रतिनिधि, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका पैसा लगेगा ही लगेगा। वहीं नीतीश कुमार की शराब नीति पर भी प्रशांत किशोर जमकर हमला बोले हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन आज के परिवेश में आप गांव-गांव में जाकर देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चों से बड़े माफियाओं के द्वारा शराब की होम डिलीवरी करवाई जा रही है। इसको लोग सही बता रहे हैं कि ये नीतीश का राज जो है ये अधिकारियों का जंगल राज है। जैसे लालू जी के राज में अपराधी गन लगाकर लूटता था, नीतीश के राज में अधिकारी जो है वो कलम लगाकर लूट रहा है। लालू जी के राज में जो अपराध होता था, लूटपाट होती थी, वो रात में होता था। ये नीतीश के राज में अधिकारी दिन में ही भरे दोपहर में लोगों को लूट रहे हैं। जैसे लालू जी के राज में अपराधी डरता नहीं था, कहता था जाओ जो करना है कर लेना, किसी से नहीं डरते। वही हाल नीतीश के राज में अधिकारियों का है। आपसे घूस लेगा ही लेगा, आप चाहे पत्रकार है कि जनप्रतिनिधि है, कितने बड़े आदमी है, वो कहता है जिसको जो करना है कर लो, पैसा लेंगे ही लेंगे। तो ये जो नीतीश का राज है ये अधिकारियों का जंगल राज है। ये क्यों है? ये इसलिए है कि नीतीश कुमार ने पिछले कुछ वर्षों में सत्ता और संसाधन का पूरी तरीके से केंद्रीकरण कर दिया है। सारे चुने हुए प्रतिनिधियों का अधिकार वापस ले लिया गया। कोई आप मुखिया विधायक का, मुखिया सरपंच का बात छोड़िए, विधायक मंत्री का भी कोई वैल्यू नहीं है। इवन अफसरों का कोई वैल्यू नहीं है। सरकार को चला कौन रहा है? सरकार को सिर्फ 5 लोग चला रहे हैं। वो 5 कौन लोग हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद और उसके साथ बैठे हुए 4 सेवानिवृत्त ऑफिसर, जिसको सलाहकार बनाकर नीतीश कुमार ने बैठा दिया। ये लोग, इन पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि इनको ना सर्विस कंडीशन इन पर लागू होता है, ना ये पॉलिटिशियन है कि ये कोई संविधान का इन पर कोई प्रभाव है, ना ये जनता के द्वारा चुने गए हैं और ना ही ये किसी परीक्षा को पास करके आए। किसी जमाने में अफसर थे, अब नीतीश कुमार ने उनको सलाहकार बनाकर 5 लोगों को बैठा लिया है और यही लोग 13 करोड़ बिहार के लोगों के भविष्य को तय कर रहे हैं, जो जिन पर कोई ऊपर से कंट्रोल नहीं है, जो इनका मन हुआ वही ये लोग करेंगे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 21।